मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन करने जा रहे हैं। और किस चीज़ का करेंगे? आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 जो है, जिसका नाम भी क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है और मुझे आशा है आप लोगों ने भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा। ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? एक ऐसे इनविजिबल मैन के बारे में है जो एक वैज्ञानिक रहता है और क्या क्या गलत काम किया करता था, तो उसके बारे में है। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, यानी कि वो जो अदृश्य दिखने वाला व्यक्ति है कैसे वो फिर विजिबल हो जाता है, कैसे वो दृश्य हो जाता है, इस चीज को बताइए। तो हमको पता है, आंसर देखें। द इनविजिबल मैन ग्रिफिन फर्स्ट बिकेम विजिबल आफ्टर ही स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर कीपिंग वार्म एंड ओवरस्लेप्ट देयर व्हाइल वेयरिंग सम क्लोथ्स टेकन फ्रॉम द स्टोर। द क्लोथ्स मेड हिम विजिबल टू द शॉप असिस्टेंट व्हेन द शॉप ओपनड इन द मॉर्निंग टू एस्केप फ्रॉम देम He had to shed all his clothes to become invisible again. अब यहाँ पर हमको पता है कि जो ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट रहता है, वो चूंकि क्या रहता है, उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते और लंदन में उसे बहुत ठंड पड़ रही होती है, तो वो एक शॉप के अंदर चला जाता है और वहां जाता है तो अपने आप को क्या करता है, गर्म रखने के लिए क्या करता है, कपड़े पहन लेता है वहीं के स्टोर से और वहां पर सो जाता है। उसके बाद जब दूसरे दिन वहाँ के शॉप असिस्टेंट या शॉप के कर्मचारी वहाँ आते हैं तो उसको देखते हैं, क्योंकि वो कपड़े पहने रहता है तो विजिबल हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है, उससे बचने के लिए दोबारा से भी पूरे कपड़े फेंक देता है। इस प्रकार से वो फिर से दोबारा इनविजिबल हो जाता है। मतलब ग्रिफिन जो है एक बार पूरे कपड़े पहन के शॉप में रह करके विजिबल हो जाता है, देन उसके बाद शॉप असिस्टेंट को देख करके वो अपने सारे कपड़े निकाल देता है और दोबारा से इनविजिबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, Why was he wandering the streets? मतलब वो सड़कों पर क्यों घूम रहा था? आंसर देखें, Though he was a brilliant scientist, he was a lawless person. मतलब ग्रिफिन जो था, वो एक बहुत brilliant scientist, एक अच्छा वैज्ञानिक था, और lawless person मतलब नियमों को नहीं मानता था। मतलब उसमें एक अच्छी चीज भी थी और एक साथ में एक बुरी चीज भी थी। His landlord disliked him and wanted to evict Griffin. इसलिए उसके जो घर का मालिक था वो क्या करता था, ग्रिफिन को पसंद नहीं करता था और उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया था। इन रिवेंज यानी बदले की आग में ग्रिफिन क्या करता है, ही सेट फायर टू द हाउस टू एस्केप, ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स बिकमिंग इनविजिबल। और बदले में क्या करता है कि वो उस जिस लैंडलॉर्ड के घर में रहता था वहां पर वो आग लगा देता है और वहां से निकलने के लिए, कि बचने के लिए कि मैंने ये काम नहीं किया, तो क्या करता है, रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े उतार देता है और इनविजिबल हो जाता है यानी अदृश्य हो जाता है। डज ही बिकेम होमलेस एंड वॉज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, और इसलिए घर से बाहर निकल करके वो होमलेस हो जाता है और लंदन की सड़कों पर गलियों पर घूमने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, मतलब मिसेस हॉल को वो वैज्ञानिक एक अजीब टाइप का, विचित्र टाइप का क्यों महसूस हुआ? आंसर, मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस एंड ऑल्सो व्हेन ही ट्राइड टू बी फ्रेंडली विथ हिम ही रिवर्फ्ड हर बाय सेइंग दैट ही हैज कम देयर फॉर सॉलिट्यूड एंड डिडंट विश टू बी disturbed in his work. मतलब मिसेस हॉल को जो ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट रहता है वो बड़ा अजीब सा लगता है, स्ट्रेंजफुल लगता है, क्योंकि जैसे ही उसका आना होता है बड़ा स्ट्रेंज रहती है उसकी उपस्थिति, कि उन ठंड के दिनों में कोई भी विजिटर नहीं आता लेकिन वो ऐसे समय में पहुंचता है वहां पर, और मिसेस हॉल उससे दोस्ताना व्यवहार करना चाहती है लेकिन वो कह के उनको ये मना कर देता है कि वो अपने घर को छोड़ के इसलिए यहाँ आया है क्योंकि उसे अकेलापन पसंद है और वो यहाँ पर अपना काम करना चाहता है जिसमें उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, अर्थात वो किसी से दोस्ती नहीं रखना चाहता और किसी से बातचीत भी करना नहीं चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, यानी कि वहां पर एक बहुत विचित्र टाइप का कार्यक्रम घटना क्या घटती है, तो आंसर देखें, वेरी अर्ली वन मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस कमिंग फ्रॉम देयर स्टडी रूम आएगा यहाँ पर, यहाँ रूम और लिख लीजिएगा बच्चों, मतलब वहां पे क्या होता है, सुबह सुबह की उसमें क्लर्जी मैन यानी वहां के जो चर्च के पुजारी रहते हैं पादरी और उनकी पत्नी जो रहती हैं वो कुछ विशेष प्रकार की आवाजें जो कि उनके स्टडी रूम से आ रही थी उसको सुनकर के जाग जाते हैं। दे हैड हर्ड द साउंड ऑफ कॉइंस बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क देयर, हाउएवर व्हेन दे एंटर्ड द स्टडी दे डिडंट फाइंड एनीबॉडी देयर व्हिच वाज क्यूरियस। अब यहाँ पे क्या होता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में जो पादरी रहते हैं वो और उनकी पत्नी अपने स्टडी रूम से बहुत सारी आवाजें आना सुनते हैं तो उनकी नींद खुल जाती है और वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उनका जो डेस्क रहता है उसमें से कुछ सिक्के निकाले जा रहे हैं, उसकी भी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो इस चीज़ से ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं कि वहाँ पर दिखाई कोई नहीं देता और चोरी की घटना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वॉट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। अब वहाँ पर इन में यानी उस रेस्टोरेंट यानी जगह पर इन में जहाँ वह ग्रिफिन रहता है तो वहाँ ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असामान्य प्रकार की घटनाएं होती हैं। आंसर देखें, उत्तर, एट द इन मिसेस हॉल एंड हर हस्बैंड वेंट इनटू द साइंटिस्ट रूम ऑन फाइंडिंग इट्स डोर ओपन। जब उस वहाँ पर जहाँ ग्रिफिन रहता है इन में तो वहाँ पर उसकी जो मालकिन रहती है मिसेज हॉल और उनके पति कहाँ जाते हैं, साइंटिस्ट के रूम के अंदर, क्योंकि कैसे जाते हैं कि देखते हैं कि साइंटिस्ट का जो वैज्ञानिक के यहाँ का जो दरवाजा है वो कैसा है, खुला हुआ है। हाउएवर ही वॉज नॉट सीन इन द रूम। अब जबकि वैज्ञानिक का दरवाजा खुला हुआ है उसके घर का लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। बट मिसिज हॉल हर्ड अ स्निफ एंड द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इन टू हर फेस। अब देखती है कि उस रूम में कोई नहीं है, इसके बाद भी उसको स्निफ यानी किसी के ब्रीद इन करने की आवाज़ साउंड सुनाई देता है और वहाँ बेड पोस्ट पे जो हैट टंगा हुआ रहता है वो आकर के उसके फेस पर लगता है, अर्थात मतलब वहाँ कोई भी नहीं है तो भी वो हैट उछल करके मिसिज हॉल के फेस पर लगती है। देन द बेडरूम चेयर स्प्रैंग इन टू द एयर एंड पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बेडरूम में रखी हुई चेयर हवा में उछलती है और दोनों यानी मिस्टर हॉल और मिसिज हॉल दोनों को रूम से बाहर फेंक देती है। दिस मेड मिसिज हॉल थिंक दैट हर फर्नीचर वॉज हॉन्टेड। और ये सारी चीज़ें मिसिज हॉल को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उनके घर का जो फर्नीचर है वो हॉन्टेड हो गया, उसमें कोई बला लग गई, कोई जादूगरनी का इफेक्ट आ गया, कोई घोस्ट एंटर कर गया, मतलब मिसिज हॉल इस घटना से बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन कमेंट। अब आप यहाँ पे ये बताइए कि ग्रिफिन कैसा था, एक नियम विरुद्ध कार्य करने वाला व्यक्ति था, उसको समझाइए। आंसर, ग्रिफिन वॉज नॉट बोदर्ड इफ ही हैड हार्म्ड एनीबॉडी इन द फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट ही वांटेड। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर बिकॉज द लैंडलॉर्ड ट्राइड टू मेक हिम लीव। देन हिज रॉबरीज एट शॉप एंड लेटर इन द विलेज इंडिकेट दैट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। वेन ही एनकाउंटर्ड द लैंडलेडी ऑफ द इन ही थ्रो अ चेयर एट हर एंड हर हस्बैंड। लॉलेस पर्सन लाइक ग्रिफिन never think about the safety and well-being of others, they are only concerned about themselves. अब यहाँ पर ग्रिफिन के बारे में बताया जाता है कि ग्रिफिन जो था वो एक बहुत अटपटा व्यवहार करने वाला व्यक्ति था और साथ ही साथ क्या करता था, जो वो चाहता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किसी भी व्यक्ति को हार्म यानी नुकसान पहुंचा देता था, मतलब वो सिर्फ अपने लिए जीता था, इतना सेल्फिश था कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा देता था। उसने क्या किया, अब इसको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। क्यों लगा दी, क्योंकि लैंडलॉर्ड चाह रहा था कि ग्रिफिन उसके घर को छोड़ दे, इसलिए बदले में उसने अपने मकान मालिक के घर में ही आग लगा दी। देन उसके बाद उसकी जो चोरी और डकैती की जो घटनाएं थी वो रुक नहीं रही थी, कहीं वो शॉप में चोरी करता, उसके बाद वो गाँव में चला गया, वहां पर भी जाकर के उसने क्या की, चोरियां की बहुत सारी। और जब वो पकड़ा गया, जब उसको ऐसा लगा कि वो पकड़ा जाएगा उस अपनी मकान मालकिन के हाथों से, तो उसने क्या किया, उसने
मकान मालकिन और उसके पति दोनों को ही उनके ऊपर चेयर फेंक के मारी, मतलब उनको चेयर से नुकसान भी पहुंच सकता था। लॉलेस पर्सन लाइक ग्रिफिन नेवर थिंक अबाउट द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स। यानी इस प्रकार से ये कानून के विरुद्ध काम करने वाला ग्रिफिन जो था, उसने किसी की सेफ्टी के बारे में कभी नहीं सोचा, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहा। दे आर ओनली कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। वो सिर्फ किस पर ध्यान देता था और किस पर केंद्रित रहता था? अपने आप में। मतलब उसको सिर्फ अपने सुखों के अलावा दूसरों के दुख, दूसरों की चिंता और दूसरों के परवाह की आदत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप ग्रिफिन को एक अच्छा वैज्ञानिक कैसे मानते हो? आंसर, ग्रिफिन इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ग्रिफिन जो था वो कैसा था? एक ब्रिलियंट, एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक था, क्योंकि उसने इस प्रकार की खोज कर ली कि वो किस प्रकार इनविजिबल हो सकता। मतलब एक विजिबल व्यक्ति को इनविजिबल होने की जो खोज है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी। बट ही सीम्स टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर विच ही गेट्स आउट ऑफ हिज इनविजिबिलिटी। द पावर टू हर्ट एनीबडी विदाउट गेटिंग नोटिस्ड कैन गिव सैडिस्टिक प्लेजर टू सम पीपल। अब यहाँ पर लेकिन क्या था, जो ग्रिफिन जो था वो क्या करता था, एंजॉय करता था उस शक्ति का जो इनविजिबल होने के बाद मिलती थी। मतलब यदि आप इनविजिबल हो जाओगे तो आपके पास बहुत सारे पावर आ जाएंगे, आप किसी को दिखोगे नहीं और आप किसी का अच्छा भी कर सकते हो और किसी के साथ बुरा भी कर सकते हो। तो इस प्रकार का जो आनंद था वो ग्रिफिन लिया करता था। और उसने क्या कर लिया था फिर ऐसे में, कि वो कौन सी पावर उसने डेवलप की, किसी भी व्यक्ति को हर्ट करने की, चोरी करने की, जो कि एक सैडिस्टिक प्लेजर, मतलब एक उत्साहहीन, एक उदास टाइप का आनंद उसको प्रदान करती थी। अ ट्रू साइंटिस्ट शुड मेक डिस्कवरीज फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, नॉट जस्ट फॉर हिज ओन बेनिफिट। लेकिन जो एक सच्चा वैज्ञानिक होता है, उसकी जो खोज होती है या उसके जो आविष्कार होते हैं, वो किस चीज के लिए होते हैं? एक सोसाइटी, एक समाज को लाभ देने के लिए होते हैं, ना कि खुद के आनंद के लिए। और ये जो था ये कैसा था, ये सिर्फ अपने फायदे की बात सोचता था, इसलिए जो ग्रिफिन है वो हमारे हिसाब से एक अच्छा वैज्ञानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डू यू फॉरसी इफ यू डिड? क्या तुम चाहते हो इनविजिबल होना? तो बच्चों को तो बहुत मजा आएगा इनविजिबल होने में। क्या तुम चाहते हो इनविजिबल होना? अगर तुम इनविजिबल हो गए तो उसका तुमको क्या फायदे मिलेंगे और क्या नुकसान मिलेंगे, जरा बताइए, इसका आंसर देखें। इट कैन बी एन एक्साइटिंग आइडिया फॉर मोस्ट पीपल। इनविजिबल होना किसी के लिए भी एक बहुत उत्साहवर्धक आइडिया हो सकता है। लाइक टू फैसेट ऑफ अ क्वाइन, इनविजिबिलिटी कैन हैव मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से अदृश्य होना भी दोनों स्थिति में है, वो हमको फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए इनविजिबिलिटी मे मीन अ लाइसेंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रैंक्स विदाउट गेटिंग कॉट। अर्थात एक छोटा बच्चे के लिए जब इनविजिबल हो जाएगा तो उसको शैतानियां करने के लिए बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा, वो इनविजिबल होकर के बहुत तरह तरह की शैतानियां कर सकता है और पकड़ा भी नहीं जाएगा। लाइक अ हिंदी मूवी, इनविजिबिलिटी कैन हेल्प यू बीट ऑल द विलेंस ब्लैक एंड ब्लू एंड गेट रिड ऑफ देम। यदि एक हिंदी पिक्चरों की भांति बात करें हम, तो अदृश्य होना बहुत हेल्प कर सकता है, किसके लिए, कि जो समाज में जो गुंडे, बदमाश और जो चोर हैं उनको हम पकड़ सकें, उनको क्या कर सकें, समाप्त कर सकें और उनको वहां से निकाल सकें। वंस यू बिकम इनविजिबल, नोबडी वुड नोटिस यू। विद इन नो टाइम द सैडनेस ऑफ आइसोलेशन विल टेक ओवर द एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग विजिबल। अगर आप इनविजिबल हो जाते हैं तो कोई भी तुमको ध्यान नहीं देगा, कोई नोटिस नहीं करेगा, और जो तुम्हारे अंदर अकेलेपन का उदासी है वो सब चीज़ें तुम्हारे इनविजिबल होने से खत्म हो सकती हैं। यू विल हैव नो फ्रेंड, यू विल टेंड टू बिहेव लाइक द एसेंट्रिक साइंटिस्ट इन दिस स्टोरी। और अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं रहेगा, जब आप इनविजिबल रहोगे तो आपका कोई दोस्त भी नहीं होगा, आप किसी को दिख नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, एकदम अकेले रह जाओगे, तो हो सकता है
कि तुम भी किसकी तरह बिहेव करने लगो, इस ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट जो कि इस स्टोरी में बताया गया है, मतलब आप उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर नंबर 5 के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर